Hey guys, welcome back to the channel. My name is Munaf. I hope you guys are having an amazing day. So guys, मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है. ये मंथ बहुत लकी है मेरे लिए. सो लकी क्यों है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज में घूम रहा हूँ ये मंथ में. अभी फिलहाल वापस से बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं हम लोग. सो यस गाइज, आई एम इन एम्स्टरडैम और ऐसा वैसा नहीं, आई एम हियर फॉर 3 days. आज का छोड़ के कल परसों तरसों 3 days आई एम गोइंग टू बी इन एम्स्टरडैम. तो फिलहाल गाइज ये रहा मेरा रूम. रूम टूर तो देने की ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल ही है रूम. और क्या ही बताऊँ रूम में, यार कुछ खास नहीं है. ये बेड है मेरा, यहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है. दिस इज़ द टीवी और वहाँ पे टॉयलेट, ये वार्डरोब और यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर. तो यस गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी नीचे जाएंगे. फ्रेंड्स से मैं थोड़ा मिल रहा हूँ नीचे. तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि लेट्स गो टू ईट समथिंग आउट. वेदर यहाँ पे चेक किए थे तो सो इट्स गोइंग टू बी रेनिंग टुडे. सो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह, बहुत सारे क्लाउड्स है एंड आई एम श्योर इट्स गोना रेन. सो यहाँ पे ठंडी भी बहुत है. अभी नाउ द टेम्परेचर इज़ अराउंड 10 degrees Celsius. तो मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट ऑलमोस्ट रेडी तो हूँ, शूज वगैरह पहन के नीचे जाता हूँ एंड देखेंगे हम लोग क्या क्या करते हैं एम्स्टरडैम में. सो लेट्स गो फॉर इट. तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं एम्स्टरडैम डाउन टाउन, एम्स्टरडैम सेंट्रल में. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं. तो हम लोग ने यहाँ पे आने के लिए ली थी ट्रेन, और ट्रेन का पास लिया हम लोगों ने 3 दिन का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 दिन रहने वाले हैं. और बहुत ही बेहतरीन जगह है यहाँ पे. यहाँ पे मैं बहुत पहले भी आ चुका था, बट तभी था यहाँ पे लॉकडाउन. तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ भाड़ है. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है ये बार का. तो वही मैं आप लोग से शेयर करूँगा इस बार कैसा रहता है क्या रहता है. लास्ट टाइम का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके देख लो, व्हाट हैपेंड इन एम्स्टरडैम. किस दिन एम्स्टरडैम ऐसा नाम रखा था मैंने. तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल कुछ खाने के लिए. खाने की खोज में बहुत भूख लगी है. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद अभी बाहर आने का मौका मिला है एंड इतने सारे देख लो आप लोग यहाँ के, यार एकदम बेस्ट व्यू, एकदम भारी भारी फोटो एकदम भारी भारी आने वाले हैं हम लोग के. यार यहाँ पे एक और एक चीज़ भारी लगती है, वहाँ पे ट्रेन देखो रास्ते पे चलती है, कितना बेहतरीन लगता है यार ये. और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स है साइड में. वाह देखो कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे चल रही है. और वहाँ पे सब बोटिंग के टूरिस्ट के प्लेसेस है. तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यार, बने रहो. फिलहाल कुछ खा लेते, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ. गाइस ये है यहाँ का सबसे फेमस फ्रेंच फ्राइज, यहाँ पे मिलता है. तो इसके लिए लाइन देख सकते हो आप लोग कितनी लगी हुई है. लेकिन मैंने पूरी देर तक लाइन लगी हुई है बस एक फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए. तो सोचो कितना फेमस होगा यहाँ पे ये. और मुझे भी ठंडी लगी तो मैंने खुला जैकेट पहन लिया है और मेरी आवाज़ भी बैठी है. तबीयत ख़राब होने वाली है क्योंकि यहाँ का वेदर ठंडा ठंडा बहुत ठंडा हो रहा है अभी. और एक ट्रैम की बात कर रहा था, पीछे मेरे पीछे जो जा रही है ट्रैम, इट्स काफ़ी अमेजिंग. सो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये एक और शॉप है वालमसी फ्रिताज. यहाँ पे इतनी गर्दी नहीं है, यहाँ पे गर्दी नहीं है मतलब वो जगह इतनी फेमस नहीं है. तो यहाँ पे बहुत ही एक फेमस चर्च है, लास्ट टाइम मैं भी यहाँ पे आया था. और यहाँ पे ही सामने जो है पिजन्स वगैरह देख सकते हो आप लोग. तो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे, घूम रहे थे पिजन वगैरह के साथ खेल रहे थे. बट अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं यार. ये है असल डाउन टाउन एम्स्टरडैम का जो हम लोग घूम गए हैं यहाँ पे. तो खाना तो अभी तक तो क्या मिला है नहीं हमें, खाना फिलहाल ढूंढ रहे हैं हम लोग. यहाँ पे फेमस चिप्स जैसे मैंने बताया वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी. यहाँ पे कोई और एक दुकान है तो उसमें जाके हम लोग अभी यहाँ पे फेमस चिप्स ट्राई करने वाले हैं. फाइनली प्राइज मिल चुका है. वैसे भी आप लोग ने ये जो पॉइंट देखा पीछे पिजन वगैरह इतना है, ये है पिजन व्यू पॉइंट. यहाँ पे आप अपने हाथ में जो है पिजन ले सकते हैं, पिजन हाथ में आएगा और वहाँ पे फोटो ले सकते हैं. अच्छा बताओ आगे जो जा रहे हैं वो लड़का है या लड़की है, देखना नहीं देखना नहीं.
मैंने देख लिया, मुँह दिख गया इसका, जब पीछे तो पूरी लड़की लग रही है, हाल चाल चलना डलना भी वैसे ही है इसका। ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं यहाँ पे, तो धोखा मत खाइए, सतर्क रहिए हमेशा की तरह। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और यहाँ की लाइट हो चुकी है स्टार्ट, तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से ये चमक रहा है मस्त एकदम। तो बस यही था एम्स्टर्डम यार, क्या बेहतरीन लग रहा है ना एम्स्टर्डम के। अगर आप सुवानेस लेने जाओगे तो आपको यही दिखेगा उसके बीच में, और बारिश भी हो रही है और रात भी हो चुकी है, तो मैं जाऊँगा भी घर पे, तो यहीं पर रखता हूँ ब्लॉग। होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, पीस आउट।